आप भी चौंक रहे होंगे, ये भला कैसे? तो उसका जवाब ये है कि इंटरनेशनल वनडे करियर में बिताए वर्षों के हिसाब से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज 26 सितंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा सीरीज का तीसरा वनडे खेलने के लिए उतरेंगी, तो वो सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ चुकी होंगी। तब उनके इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट करियर में 22 साल 93 दिन पूरे हो जाएंगे। सचिन का वनडे इंटरनेशनल करियर 22 साल 91 दिन चला था। हालांकि सचिन का टेस्ट करियर पूरे 24 साल चला, लेकिन मिताली राज की टेस्ट में नहीं वनडे और टी20 क्रिकेट में अधिक पहचान रही है। सचिन ने अपना पहला वनडे मैच पाकिस्तान के खिलाफ 18 दिसंबर 1989 को खेला। सचिन ने अपना आखिरी वनडे मैच पाकिस्तान के खिलाफ ही 18 मार्च 2012 को खेला। इस तरह उनका वनडे इंटरनेशनल करियर कुल 22 साल 91 दिन चला। वहीं मिताली राज 26 सितंबर 2021 को ये रिकॉर्ड तोड़ चुकी होंगी। तब उनका वनडे इंटरनेशनल करियर 22 साल 93 दिन का हो चुका होगा। मिताली ने अपना पहला वनडे मैच आयरलैंड के खिलाफ 26 जून 1999 को खेला था। अभी उनका क्रिकेट करियर जारी है और देखना होगा कि इस सफर को वो और आगे कितना ले जा सकती हैं। मिताली राज को भारत की रन मशीन यूं ही नहीं कहा जाता। मिताली राज की उम्र 38 साल के पार है, लेकिन भारत के लिए उनका अच्छा खेलने का जज्बा वैसा ही है जैसा कि उन्होंने 22 साल पहले अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलते हुए दिखाया था। हाल ही में दो नई उपलब्धि मिताली राज के नाम के साथ जुड़ी हैं। पहली ये कि उन्होंने 21 सितंबर 2021 को मकाए में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा सीरीज का पहला वनडे मैच खेला, तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा 20,000 रन बनाने वाली महिला प्लेयर बन गई। ये रन उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लिस्ट ए और टी20 मैचों में मिलाकर बनाए। मिताली ने मकाए में खेले गए पहले वनडे में 107 गेंद में 61 रन की पारी खेली। हालांकि मिताली के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भारत ये मैच हार गया। मिताली ने अपने करियर में 218 वनडे मैच खेलकर 7,367 रन और 89 टी20 मैचों में 2,364 रन बनाए हैं। मिताली लेग ब्रेक बॉलिंग भी कर लेती हैं। उन्होंने वनडे फॉर्मेट में 8 विकेट भी झटके हैं। वेल डन मिताली राज, आप देश की लड़कियों के लिए रोल मॉडल हैं। Back lift, down on one knee, and it's a great connection. It's exactly what they need. The Indian women now. देश नामा के लिए खुशदीप सैगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा? या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।